राजनांदगांव में कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत आदान सहायता राशि का भी वितरण हुआ और इसके साथ ही किसान मेला सहित प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। इस दौरान कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत जिले के 1,23,131 किसानों को 638,23,00,000 की राशि DBT के माध्यम से किसानों के खातों में ट्रांसफर की गई। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज साय सरकार प्रदेश में विकास के नए कीर्तिमान रच रही है। आज ये दोनों का सुखद संयोग है। मैं महाकाल की नगरी से आता हूँ और यहाँ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हैं। तो एक तरह से ये मंत्र का लेने काला हो रहा है। जोरदार ताली बजाओ अपने यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव जी के लिए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये जुड़वा भाई है। हमारे अतीत के कालक्रम में एक ही प्रदेश होता था और हमारा अगर सबसे ज्यादा प्रेम और अधिकार नहीं है तो इस छत्तीसगढ़ की धरती पे मध्य प्रदेश वासियों का आपका भी उतने अधिकार है। जीवन दायिनी अमरकंटक आप कहो तो आपका और हम कहें तो हमारा। नर्मदा माँ की कृपा हम और आपके बराबरी से। हम सब सौभाग्यशाली है परमात्मा की दया से वर्तमान के दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। मोदी जी के लिए उनके नेतृत्व में देश चहुंमुखी विकास कर रहा है। सभी क्षेत्रों में आज सवेरे रेल के विभिन्न प्रकार के कामों का शुभारंभ किया। 100 से ज्यादा तो वंदे भारत रेल जिनका उन्होंने अपने शासन काल में अलग अलग मार्गों पे संचालन प्रारंभ कराया। वो गया जमाना जब रेल के लिए रेल मंत्री केवल अपने प्रदेश में एक बार रेल खोल दे तो बहुत बड़ी बात मानते थे। आज की स्थिति में अकेले हमारे छत्तीसगढ़ की मध्य प्रदेश की कौन सी रेल परियोजना है? अरे इतना पैसा दे रहे मोदी जी कि हर विभाग में खर्चे करने के लिए हमको पसीने छूटते, वो पैसे देने में पीछे नहीं हटते। ऐसा वर्तमान का समय अगर कोई चल रहा है तो हमारे अपने मोदी जी सरकार का चल रहा है। एक बार फिर अभिनंदन करें मोदी जी का इस माध्यम से भी, जिनके कारण से सेना के ऊपर जवान सीमाओं पे अपनी जान की बाजी लगाकर सीना ठोक करके देश की सेवा कर रहे हैं। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे सेना के जवानों के साथ साथ किसानों की भी चिंता करते हुए प्रति माह उनके लिए भी माननीय मोदी जी ने किसान सम्मान निधि में अभिनंदन करता हूँ, मोदी जी का स्वागत करता हूँ।